जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत बीती रात असामाजिक तत्वों द्वारा विकास खंड नवागढ़ के श्री नारायण थाना क्षेत्र ग्राम तुस्मारामा मेट्रो के सामने बने बजरंगबली के मंदिर का ताला तोड़कर मूर्ति को बीच सड़क में पटक कर तोड़ कर फेंक दिया गया था। ग्राम पंचायत दुर्पा के नहर किनारे बने बजरंगबली के मंदिर में स्थित मूर्ति और मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। और ग्राम मिस्सा में भी केसला श्री नारायण मार्ग पर स्थित बजरंगबली मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, जहां मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में स्थित बजरंगबली की मूर्ति को मंदिर समीप नहर में डाल दिया गया, जिससे गुस्साए हिंदू भक्त ने केरा शिवरीनारायण रामा मेट्रो के सामने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया था। यह जाम लगातार 5 घंटे तक लगा रहा। जाम में लगभग 5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। जांजगीर जिले के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर काफी समझाइश थी। अंत में हिंदू भक्तों ने दोषियों पर उचित कार्यवाही करने की और धर्मांतरण कराने वाले लोगों पर भी कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन दिया, जिससे अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तब कहीं जाकर मुख्य मार्ग पर लगे जाम को आंदोलनकारियों द्वारा खोला गया। आप सबको विदित है कि विगत रात्रि यहाँ बजरंग मंदिर में बजरंग बली जी का मंदिर को किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया है। इसी बात को लेकर यहाँ पे भक्तों का और विश्वासियों का यहाँ पर प्रदर्शन था और काफ़ी लंबा समय था। अभी इस घटना को लेकर FIR हो चुका है और उस FIR के तहत यथाशीघ्र हमने आरोपियों को गिरफ्तार करने का उनको समझाइश और आश्वासन दिया है। इस बात से सहमत हैं भाई लोग। और दूसरा, एक धर्मांतरण से संबंधित एक आवेदन दिया गया है, जिसको हमने ले लिया है और उस पर जांच के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यदि इस शिकायत पर जिनका नाम है उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होता है गहन छानबीन करने के उपरांत, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और अभी यहाँ जो खंडित मूर्ति है उसके जगह में आवेदक लोग नए बजरंगबली की मूर्ति को लाके स्थापित कर रहे हैं विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए। हमारी मांग थी कि इस जो घटना चला है इसके पीछे जिस जो अपराधीगण है, जो साजिश रची गई है, उसके पीछे जो मेन मुख्य है उसे पकड़ा जाए। प्रशासन से आदमी आए थे, उन्होंने सब ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर जो इस अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इसका जो मुख्य धारा जहां से जुड़ा हुआ है उन पर कार्रवाई की जाएगी। सभी हिंदू सर्व समाज के द्वारा कुछ लोगों की नामजद रिपोर्ट लिख के दी गई है, जो हमेशा हिंदू विरोधी कार्य कर आसपास का माहौल को खराब करने का काम करते हैं। हमें पूरा भरोसा है प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, कि वह जरूर कार्रवाई करेगी और एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट जो नतीजा है वो सामने मिलेगा। आपने नाम धर्मांतरण कराने वालों का नाम दिया है, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे दुख की बात ये है कि जिसका जिसका नाम गया है वह सब हिंदू समाज के ही लोग हैं। ऐसा क्या हो जा रहा है कि लोग क्यों अपने धर्म को पहचान नहीं पा रहे हैं? सबसे पुराना और सबसे विख्यात धर्म है वो हिंदू धर्म है। आज फॉरेन विदेशों में भी हिंदू धर्म का डंका बज रहा है। और ऐसा क्या हो गया कि छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल से सभी हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं? यह सोचने का विषय है। इसी वजह से आज यह प्रसन्न किया गया है। मंदिरों को खंडित करना यह होता था अंग्रेजों के मुगल शासकों के काल में, क्या वही काल फिर से वापस आ गया है? और ऐसा है तो सभी को ध्यान में रखना होगा कि यह शासन, यह काल वापस नहीं आएगा और ना हम आने देंगे। सर्व हिंदू समाज एक है और हमेशा से एक रहा है। अगर आप लोग का मांग अभी पूरा नहीं होता तो और आगे आपको क्या कदम रखेंगे? हमने यही मांग किया है कि आगे कार्रवाई हिंदू समाज द्वारा अगर प्रशासन नहीं कर पाएगी तो हम स्वतंत्र हैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और हम घर घर जाके हमें जो काम अपने धर्म के रक्षा के लिए करना होगा हम करेंगे। ये जो धर्मांतरण हो रहा है इसका ठिकरा क्या भोज बगल पे पड़ना चाहेंगे? उसके सरकार के होने की वजह से हो रहा है क्या? ऐसा आप मानते हैं कि जिसका सयान, जिसका मुखिया को हमने चुने हैं, अगर घर में कुछ गलती होती है तो मुखिया को ही दोषी माना जाता है। भूपेश बघेल इससे पहले भी हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको सुकमा के SP साहब ने लिख के दिया कि धर्मांतरण बहुत तेज़ी से छत्तीसगढ़ में फैल रहा है, कुछ किया जाए। लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी का नतीजा है कि अभी यह गाँव के एक एक जगह पहुँच गया है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं।